बेटी को से आए हैं आज पकाने के लिए। और मेरे से इतनी मेहनत का काम है तो मेरा तो दिल नहीं चल रहा इतनी मेहनत करने को। मेरे तो आज इरादा है इससे मैं ना वही किसी गरीब को दे दूँ। इतना कौन करेगा वक्त, ये देखते हैं सारा दिन घर के काम। एक ही छुट्टी थी मुझे या आज, और कहें ये देखें आज फ्राइडे है, एक ही छुट्टी थी, वो भी सुकून की नहीं है, बंदा सुकून से नहीं गुजार सकता। ये देखें एक लेडी कोट ले आए हैं और हम इसे बनाएंगे, और मेरा इरादा है कि इसे हम सालन नहीं, एक तो गैस चली गई है ऊपर से मेहमान भी हैं तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। मेहमान आए हुए हैं हमारे घर में और उनके लिए ये बहुत स्पेशल डिश आई है पकने के लिए। आपने कभी ऐसी डिश देखी नहीं होगी। अगर आप उनके घर भी मेहमान आए तो आप भी इस तरह की डिश ज़रूर बनाइएगा फर्स्ट डे। अगर घर में मेहमान आए तो आप भी चिकन लाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना राइस बनाने की ज़रूरत है, ना फिश बनाने की ज़रूरत है। आप भी ये ग्रेवी पोट लेकर अपने मेहमानों को खिलाया करेंगे। देखें हमारे घर में कितनी अच्छी डिश मेहमानों के लिए आई है। अगर आप लोगों ने भी चीज़ खानी है तो आ सकते हैं। ये देखें मैं आप लोगों को नसीहत कर रही हूँ, अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो ज़रूर उनकी इस तरह की पूजा और खिदमत कीजिए। ये देखें हम बहुत खिदमत आएगी कि करते हैं, या तो फौजी बना कर खिलाते हैं या फिर हम वो कितरा और वो करीबी कितरा खिलाते हैं, या तो हम वो मुर्गी के पाए बनाते हैं, या तो हम क्या करते हैं एक और चीज़ है तिरी नहीं होती जो बकरे की वो बनाते हैं। तकरीबन इस तरह की चीज़ें आ गई, ये चौकी है। ये देखें आप लोग भी अपने मेहमानों के लिए यही डिश तैयार किया करें। अगर ये भी डिश बननी थी तो हैं तो वो भी आ जाता तो हम फर्स्ट टाइम ही बना लेते। ये देखें तू तो चुप कर, सारे पता लग गया तू आई अंदर कट दी ना, मैं तू बोल पी है मेरा ख्याल है आप भी देख देख कर थक जाएंगे। बस इतनी बहुत है, इतने ही दिखाते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर आपको दिखाएंगे जो करते हैं। अल्लाह हाफिज़।